जीतने के लिए 64 रन बनाने पड़ेंगे, कोई आसान नहीं होगा, बड़ा मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, फिर से भिड़ेंगे दो शेर। क्रिकेट यदि जंगल का खेल है तो जंगल का राजा एक होता है और जिसे कहा जाता है बादशाह में बादशाह, बेताज बादशाह। तो ये बेताज बादशाह कौन बनेगा, ये तो हमको कल ही पता चल जाएगा। गेंदबाज तैयार होंगे, सामने होंगे जिन्होंने कल अपना 59 रन की पारी खेली थी, सूरज मकदम मैन फ्रॉम गार्डी। इस बार आते खेलने की कोशिश थी, इस बार सूरज जानते हैं बहुत बड़ा मुकाबला है, कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन गेंदबाज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, सही सती की लाइन के साथ गेंदबाजी की गई। अब कोई टारगेट कोई ज्यादा नहीं है, 7 ओवर का बड़ा मुकाबला है, 64 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इस बार भी डाली है खेलने की कोशिश, एक्रॉस द खेलने की कोशिश थी, इस बार गेंद उनके यहां पर पैरों पे लगी, कोई रन नहीं है। दो गेंदे डॉट के रूप में जाते हुए पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, बड़ा मुकाबला चलता हुआ, 64 रन जीतने के लिए बनाने गए गार्डी टीम के लिए। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, अच्छी तरह से वापसी कर दी, इस बार गेंद को सम्मान दिया, गेंद इस बार खेलने की कोशिश थी, लेकिन जैसे जैसे गेंद थोड़ी सी तेजी से यहां पर तेज तरह रफ्तार से आ गई थी और गेंद गई चेतन के हाथों में और गेंद को छोड़ दिया। इस बार भी बहुत ही बेटर गेंद थी, 10 बेटर लाइन, ब्यूटीफुल डिलीवरी इस बार और विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 गेंदें हो चुकी है और 4 गेंदों को सम्मान दिया है, एक काफी बेहतर गेंद थी और अच्छी डिलीवरी थी, इसके वजह से इस बार गेंद को छोड़ दिया है। हेलो आता सरपंच, मैं तुम्हारा मगज चल, इस बार गेंदबाज तैयार होंगे, रन मिलते हुए आखिरी गेंद होगी पहले ओवर की। समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए सूरज मकदम इस बार भी गेंद डाली है, 73 रन पर बीट किया, क्या यह बल्ले पर लगी है, यह तो देखना पड़ेगा, और अंपायर ने यहां पर उंगली उठाई और इस बार बल्लेबाज चले सीधे डगआउट में।
रन संख्या हो गई अब 2 रन। एक बड़ा विकेट गिरा इस बार सूरज मकदम का, जैसे ही बल्ले का किनारा लगा था, जैसे ही विकेट के पीछे कैच पकड़ लिया वो सीधे चल पड़े थे। और ये अच्छे खिलाड़ियों की कुछ खासियत होती है, अच्छे क्लियर निशानी होती है, जब भी अंपायर भले आउट ना दो लेकिन फिर भी ये मैदान के बाहर चले जाते गए, क्योंकि क्रिकेट के प्रति अच्छी भावना या सम्मान रखते है। गेंदबाज तैयार होंगे, विकेट के पीछे देखा जाए तो अतुल पाठक है और विकेट कीपिंग का दारोमदार चेतन चिंद के ऊपर। गेंदबाज तैयार होंगे, इस बार भी गेंद डाली गई और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगाया गया और ये गेंद जाएगी मैदान के बाहर 4 रन के लिए और ये निकलता हुआ चौका सीधे बॉटर रन के बाहर। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव, अब पहले स्लिप पे देखा जाए तो संजय कदम और चौथे स्लिप में देखा जाए तो सुमित देशमुख। इस बार भी डाली गई गेंद और इस बार भी रिवर्स अटेम्प्ट किया गया, क्या ये भी मैदान के बाहर जाएगी और बैक टू बैक दूसरा चौका लगता हुआ मैदान के बाहर। दैट्स द प्ले बॉक्स हैमर्ड, गेंद मैदान के बाहर 4 रन के लिए। पहले 2 गेंदों पर 2 चौके मिलते हुए यानी दबाव डालते हुए सामने वाली टीम के ऊपर। इस बार भी डाली बहुत ही बड़े गेंद थी और गेंद को फील्ड किया है लेकिन सिंगल मिलेगा, ये मुकाबला आसान नहीं होगा, आखिरी ओवर तक मुकाबला चलेगा। एक कम रन का टारगेट है, 64 रन बनाने हैं जीतने के लिए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और जिस तरह से फील्ड सजाई है कुछ हद तक यहां पर दबाव दोनों टीम के ऊपर हो सकता है। इस बार भी खेलने की कोशिश थी, इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद को इस बार सीधे हाथों से गेंद डाला, यहां पर गेंद कनेक्ट हो चुकी है, रन नहीं मिलेगा और गेंद गई सीधे गेंदबाज के हाथों में। किशोर पवार यहां पर आते हुए उनका हार्दिक स्वागत। इस बार भी डालिए लेकिन इस बार गेंद को लॉक किया गया और ये चलिए मैदान के बाहर सीधे तारा मंडल में 6 रन के लिए। अरे तारा टूट जाए गिर, जिन्होंने हमने देखा था यलाकार प्रीमियर लीग में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी। इस बार गेंद डाली है, गेंद हवा में होंगी और एक विकेट गिरा, ये दूसरा विकेट गिरा, यहां पर गेंद काफी तेजी से आई थी, पता ही नहीं चला इस बार नीलेश को कैसे गेंद मेरे बल्ले पर काफी गति थी और तेज तरह रफ्तार से गति से बीट किया और विकेट गिरा डीजे।
गेंदबाज तैयार होते हुए। देखिए क्या मुकाबला चल रहा है, ये दो विकेट गिरे गए, यानी कि दोनों टीमों के ऊपर दबाव आता हुआ। फील्डिंग में बदलाव करते हुए विकेटों के पीछे देखा जाए, चेतन चेंज कर, एक बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। इस बार भी गेंद डालिए, काफी अच्छी गेंद थी, शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले इस बार तेज तरह रफ्तार उछली हुई गेंद से स्वागत करते हुए इस बार बल्लेबाज का बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। कौन जीतेगा, गोपो जीतेगा या गार्डी जीतेगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि क्रिकेट में देखा जाए तो अनुमान गलत हो सकता है। हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। इस बार खेलने की कोशिश, आड़ी बजकर खेल दिया दिल को और गेंद चली मैदान के बाहर, रप्पू चप्पर हो गई चार रन के लिए। डीजे इस बार भी सही गेंद थी, सही लेन के साथ इस बार गेंद डाली थी और गेंदबाजी की दाद दी जाए तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। राहुल मोरे, उनका हार्दिक स्वागत। गेंदबाज दोबारा तैयार होते हुए। इस बार भी खेलने की कोशिश, इस बार देखिए गति किस तरह से गेंद डाली थी, पहली गेंद डाली थी, पहली तेज रफ्तार से, लेकिन इस बार ज्यादा रफ्तार से गेंद डाली, बीट कर दिया बल्लेबाज को, पता ही नहीं चला और बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं है और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मैंने पहले कहा है अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करेंगे। इस बार दोबारा खेलने की कोशिश, अरे भाई ना ना मुन्ना ना ऐसी हरकत कर, ये गेंद का काफी तेज तरह रफ्तार से गेंदबाजी कर रही है, यदि गलती हो गई तो विकेट मिल सकता है, ये तो चार रन मिल सकते हैं। मैंने पहले कहा है अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, आप उसी प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो सही रास्ते पे आप जाएंगे। दोबारा गेंदबाज तैयार होते हुए। इस बार भी खेलने की कोशिश, जड़ में डालने की कोशिश, सिंगल मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं है। अब यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बराबर होता हुआ, यानी कि यहां पर जिस तरह से गेंदबाजी, जिस तरह से बल्लेबाजी, एक कांटे की टक्कर दो टीमों के बीच में होते हुए बहुत ही बड़ा मुकाबला। तानाजी मोरे यांचे या ठिकाणी हार्दिकाने मनपूर्वक स्वागत। रन संख्या है 22, तीन ओवर का। रन संख्या है 22, शानदार गेंदबाजी की है, मुकाबला है, बड़ा मुकाबला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन आखिरी के कुछ चंद लम्हे या चंद सेकंड ये तो तय करेंगे। बड़ा बहुत बड़ा मुकाबला होगा।
और अविनाश मैं जिनके बात कर रहा था, इनके दो ओवर का खेल बचा हुआ है और यही गेंदबाज है जो मैच का रुख बदल सकते हैं। यदि इनको इनकी पिटाई होती है तो समझ लीजिए कुछ हद तक जीत का रास्ता आसान होगा वो भी गार्डी टीम का। इस बार भी खेला गए, रिवर्स अटेम्प्ट किया गए और ये जाएगी मैदान के बगैर, स्विच स्विच इट 6 रन के लिए। इस बार भी बहुत ही बड़ा टॉक खेला गया और ये भी गेंद जाएगी सीधे मैदान के बाहर 6 रन के लिए। किस तरह से दो रिवर्स अटेम्प्ट किए गए बैक टू बैक, दो चक्के लगाते हुए सीधे मैदान के बाहर, दैट्स ग्लोरियस स्ट्रोक। हेलो डीजे बंद, गेंदबाज तैयार होते हुए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दो रिवर्स अटेम्प्ट किए गए, एक अच्छे गेंदबाज को यहाँ पर दो रिवर्स लगाए गए, इस बार भी शानदार गेंद थी, रन मिलेगा लेकिन सिंगल मिलेगा, सिंगल की सेवा कुछ नहीं है। रन संख्या है 36। इस बार भी खेला गए, अरे बहुत ही बढ़िया और ये भी जाएंगे सीधे मैदान के बाहर 6 रन के लिए। अंपायर की चलता हुआ सीधे मॉल बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
रन संख्या है 42। इस बार भी गेंद आड़े बल्ले से खेला गए, सिंगल मिलता हुआ गेंद के वहां पर डिप्स के उल्ले की दिशा में, रन संख्या हो गई अब 43। 43 ची धाव संख्या पलका वरती पहाय मिलते है। काय या फटका मध्ये षटका मध्ये या ठिकाणी सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली, सुंदर फटके पाहायला मिळाले, अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळाली। आणि कुठेतरी या जन या गोलंदाजाने या सामन्यामध्ये आपलं वर्चस्व ठेवलं होतं की टायकर यांचा मेन गोलंदाज आणि ह्याच्यावरती माधी घात केला जात आहे आणि सुंदर फटके पाहायला मिळाले। डीजे सुरेश पाणी पाणी जाऊ दे जाऊ दे जाऊ दे मैदानात हॅलो हॅलो तर मात्र आपण जाऊया सामन्याकडे। सुंदर सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, पुन्हा या ठिकाणी फलंदाज सज्ज होते। डीजे बंद डीजे बंद दोन मिनट हॅलो येते मात्र सुंदर सुंदर आणि हा ही जातोय मैदानाच्या बाहेर दमदार षटकार। पुन्हा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार मैदानाच्या बाहेर। तर इथे मात्र धावसंख्या पाहायला मिळते तब्बल 59 आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज। सुंदर नेमचोर प्रीमियर लीग सीझन 1 या ठिकाणी हा महासंग्राम पाहायला मिळतोय। गोलंदाज सज्ज राईटा मोहर द विकेट, हा ही खेळण्याचा प्रयत्न। सुंदर चेंडू लोअर पट्टीचा चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता।
मात्र सामना जिंकला जातो सुंदर फटका मैन ऑफ द मैच सम्मान कुणाल दाईजर मात्र आमचे स्कोरर तत्काळ आपल्यापाशी पोहोच करतील।